कॉल खबर एक्सपर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं योगेश और आज हम बात कर रहे हैं जो लोग नाम से ही शेर सिंह नहीं बल्कि काम से भी शेर सिंह के नाम से जाने जाते हैं, ऐसे युवा और युवाओं की धड़कन माने या देश के लिए एक गर्व की बात माने, ऐसे शेर सिंह हमारे बीच हैं। उनका नाम शेर सिंह ही नहीं, वो काम से भी शेर सिंह के नाम से जाने जाते हैं। आज हम उनसे खास बातचीत करेंगे खबर एक्सपर्ट के साथ। जी शेर सिंह जी, आपका खबर एक्सपर्ट में नमस्कार। जी शेर सिंह जी, जो पहला मेरा सवाल आपसे ये है कि जिस तरीके से आप पर आरोप है, आपका पहले अफगानिस्तान पहुंचना, जेल से बाहर होना, ये सारी प्रक्रिया आप कैसे कर पाए या उसके लिए पीछे क्या कारण रहा? देखिए, कैसे कर पाया ये तो ईश्वर ने लिखा होता है कि जिसका जो कर्म है, तो हम तो शायद सिर्फ माध्यम है, वरना मुझे ऐसा नहीं लगता कि मेरी इतनी हैसियत या औकात थी या है कि मैं कुछ कर पाऊँ। अफगानिस्तान की जो यात्रा है, निसंदेह वो एक बहुत ख़तरनाक और जान पर खेलने वाली यात्रा है, जहाँ पर पृथ्वीराज चौहान जी की समाधि थी और जहाँ से उसको लेकर आए हुए हैं तिहाड़ जेल से भागकर। तिहाड़ जेल से निकलना ही अपने आप में शायद बहुत बड़ी बात मानी जाए, लेकिन जब ईश्वर जो है किसी का रास्ता कुछ लिख देता है तो वो बहुत आसानी से हो जाता है। और ऐसा मुझे लगता है कि वो ऊपर वाले ने ही लिखा हुआ था कि मुझे तिहाड़ जेल से निकलना है। आज तक की सबसे बड़ी एस्केपिंग ये मानी जाती है जेल की, और फिर वहाँ से निकलने के बाद पासपोर्ट बनना, फिर बांग्लादेश दुबई होते हुए अफ़गानिस्तान पहुँचना, फिर वहाँ पे उसको खोजना समाधि को, और फिर कई बार उसमें जीवन खतरे में भी आया, लेकिन जिसका जब टाइम लिखा है शायद वो तभी जाएगा, शायद का ये तो निश्चित बात है। तो वहाँ पे फिर सफलता भी प्रभु ने दी, सब लोगों के आशीर्वाद ने दी और उनकी समाधि को वापस लेकर आए पृथ्वीराज चौहान जी की, जो बड़े गर्व की बात है। और मुझे बहुत गर्व महसूस होता है कि ऊपर वाले ने मेरे भाग्य में ये अच्छा कार्य लिखा था। जी, इतना बड़ा काम किया जिसको राजनेता या अन्य कोई लोग नहीं कर पाएंगे, इस काम को किस तरीके से आपने अंजाम दिया, आप किस तरीके से मेहनत की, आपके दिमाग में किस तरीके के पॉइंट ऑफ व्यू आए जो आप वहाँ तक पहुँच सके? देखिए, जब मैं 2001 में फूलन देवी की हत्या के आरोप में जेल भेजा गया था तिहाड़ जेल, तो वहाँ पे मेरे साथ बहुत सारे तालिबानी आतंकवादी भी थे, तो उनसे मेरी चर्चा होती रहती थी। तो उन्होंने एक दिन चैलेंज किया कि ये तो हम ही लोग हैं जो अफ़गानिस्तान से हिंदुस्तान आकर कुछ भी कर सकते हैं, और हिंदुस्तान में किसी में हिम्मत नहीं है कि जो अफ़गानिस्तान चला जाए और वहाँ से सम्राट जो हैं पृथ्वीराज जी, उनकी समाधि को लाना तो बहुत दूर की बात है, वहाँ पे चलाई जाए। मेरे मुंह से ऊपर वाले ने निकलवाया कि मैं जाऊंगा, तो वो हंसने लगे। उन्होंने कहा, हमारे इतने बड़े बड़े संगठन हैं, हम तिहाड़ जेल से नहीं निकल सकते, तो आप तो एक इंडिविजुअल पर्सन हो, आप कैसे निकल जाओगे? लेकिन वो ईश्वर की इच्छा थी, तो फिर एक मन में विचार आया कि भाई ये करना ही है, और फिर बस सफलता मिलती चली गई। जिस तरह से तिहाड़ जेल देश की बहुत बड़ी जेल है, जहाँ पर आतंकवादियों को भी रखा जाता है, जहाँ पर बड़े बड़े टेररिस्ट भी रखे जाते हैं, उस जेल से बाहर निकलना, वहाँ की सुरक्षा व्यवस्था को कैसे लूज मोशन में दिखाना, ऐसा नहीं लगता कि कहीं भारत की जो जेलें हैं वो सुरक्षा मुद्दा उनका वैसे ही है जस्ट लाइक खाना पूर्ति है? नहीं, वहाँ की सुरक्षा तो खैर बिल्कुल चाक चौबंद है, लेकिन क्या होता है, एक तो ऊपर वाला रास्ता दिखाता है जब किसी कार्य में सफलता देनी हो उनको, और देखिए लूपहोल हमेशा होते हैं, हर सिस्टम के अंदर होते हैं, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है जो ब्रेक ना हो पाए। बस अब डिपेंड करता है कि जिसको सफलता देनी होती है, ईश्वर उसकी निगाहें उस लूज पॉइंट पर ले जाती है। तो मुझे सफलता देनी थी ऊपर वाले ने, तो वो जो उसका लू पॉइंट था, मेरी निगाह वहाँ पर चली गई। कभी आपके बीच उन आतंकवादियों से बातचीत हुई हो, वो क्यों आतंकवाद यहाँ बढ़ाना चाहते हैं, भारत ही उनका क्यों महत्वपूर्ण निशाना बनता है, ऐसा कोई बातचीत हुआ हो उनसे या उन्हें आपने समझा हो क्या कुछ ऐसा? देखिए, मैंने करीब 13 साल में तिहाड़ जेल में रहा, और इस दौरान पूरे आतंकवादियों के ही साथ में रहा हूँ, क्योंकि आतंकवादी थे हाई सिक्योरिटी वार्ड में मेरे साथ,
उसमें चाहे कश्मीरी टेररिस्ट हो, चाहे जो इंडियन मुजाहिदीन हो, चाहे ISIS हो, चाहे तालिबानी आतंकवादी हो, चाहे पाकिस्तानी हो। देखिए, एक तो क्या है, ये लोग कठपुतली हैं उन लोगों की जो लोग पैसों के लिए काम करते हैं। एक्चुअली क्या है कि ये बड़ा गलत फीलिंग है, मैं आपको बता दूं, 100 में से 90 जो इस लाइन को पकड़े हुए लोग हैं वो कठपुतली की तरह काम करते हैं, और जो उनके बॉसेस हैं पीछे वो लोग बहुत ही माइंडेड लोग हैं। माइंडेड इन द सेंस कि वो लोग उनको इस्तेमाल करते हैं अपने फ़ायदे के लिए, अपने पैसों के या किसी पद को पाने के लालच में। ये जो नीचे वाले जो वर्कर होते हैं, इनको धार्मिक रूप से भड़काया जाता है, इनको उनके देश के रूप में भड़काया जाता है, ये लोग कठपुतली होते हैं बस। एक्चुअली में जो ऊपर बैठे हुए लोग हैं उनको ना इस्लाम से कोई मतलब है। इस्लाम ने तो कभी नहीं कहा कि भाई किसी दूसरे की हत्या कर दो, ठीक है? नहीं तो कोई भी धर्म तो खराब होता नहीं, और किसी भी धर्म में ये नहीं बोला जाता भाई आप बेवजह सामने वाले की हत्या कर दो या मार दो। जिस तरीके से आपके ऊपर आरोप है आपने फूलन देवी की हत्या की, लेकिन वहीं दूसरा एक अच्छा काम ये किया कि पृथ्वीराज चौहान की अस्थियों को भारत ले आए, अब आप किस नाम से अपना नाम जानना चाहोगे, आप किस तरीके से अपने को पहचान बनाना चाहोगे? देखिए, पृथ्वीराज चौहान जी हमारे आखिरी भारतीय सम्राट हैं, हिंदुस्तानी सम्राट हैं, और 800 साल से उनकी समाधि अफगानिस्तान में थी और उनके साथ जूते चप्पल मार के अपमान किया जाता था। इसको मेरे द्वारा ईश्वर ने मुझे माध्यम बनाया कि मैं उसको वहाँ से ले कर आ पाया, इस बात के लिए मुझे बहुत गर्व है और बहुत अच्छी फीलिंग आती है कि ऐसा कार्य मेरे से ईश्वर ने करवाया। क्या कभी आपने उन अस्थियों पर वहाँ के लोगों को चप्पल जूते मारते हुए देखा, या आपके सामने कभी ऐसा हुआ? वहाँ कितने दिन आपको रुकना पड़ा इनके लिए, वहाँ कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? जी देखिए, वहाँ मैं करीब 3 महीने रहा हूँ, और मेरे सामने मैंने उसकी एक बाकायदा वीडियो बनाई हुई है, और यूट्यूब पर आप सर्च भी कर सकते हैं उसको, शेर सिंह राणा अफगानिस्तान वीडियोज़ के नाम से। और वो वीडियो मैंने उसी दौरान बनाई थी जब जिस समय मेरी आंखों के सामने वो समाधि का अपमान किया जा रहा था, और फिर बाद में जब खोदी तो मैंने उसको खोदते हुए भी वो वीडियो बनाया, उसका बनवाया। तो रही कठिनाई की बात, देखिए ये तो बड़ी स्वाभाविक सी बात है कि ना तो वहाँ कोई लॉ एंड ऑर्डर है, ठीक है, वहाँ पे कोई अगर, अब मैंने रात को खुदाई उसकी की थी, आप सोच सकते हैं खुदाई तो बहुत दूर की बात है, अगर आप वहाँ पे रात को पकड़ लिए जाएंगे तो ही कोई, हाँ मतलब ऐसा तो है नहीं कि वहाँ पे कोई पुलिस को बुलाएगा और पुलिस को सौंप देगा, ऐसा तो वहाँ सिस्टम है नहीं, वहाँ तो खुद ही न्याय करेंगे, और न्याय ये है कि वहीं पृथ्वीराज जी के बगल में ही मेरे को गाड़ते अगर पकड़ लेते तो। हाँ, लेकिन मेरा सौभाग्य है ईश्वर ने, देखिए जो लिखा है ना आपके हाथों से वही होता जाना है। अब मुझे ऐसा लगता है जिस राह पे हम चल रहे हैं, क्योंकि मेरे मन में ऐसा विचार आया कि भाई इस यात्रा को लेकर चलें, राष्ट्रवादी समान अधिकार यात्रा को, तो मेरे मन में अंदर से ऐसी फीलिंग आती रहती है कि मैं जो हमारे समाज के युवा हैं, लाखों लोगों की नौकरियां और रोज़गार ईश्वर मेरे माध्यम से दे उनको, ऐसी मेरी इच्छा है, और हम हमारा समाज जो है एक ताकत के रूप में प्रदेश के अंदर और देश के अंदर उभरे। देखिए, हमें अपने भारतीय होने पर गर्व है, और हम अपने देश के लिए अच्छे काम करने वाले आदमी हैं, और जो दूसरे सभी जो दूसरे लोग भी साथ देंगे और उनके भी हम मतलब जैसी भी उनकी सहायता हो सकती है, जो उनके लिए अच्छे काम हो सकते हैं देश के लिए समाज के लिए, वो करेंगे। जी, अभी आप किस रोल में आप आम लोगों को सूचित करना चाहते हो? जैसे अभी लोगों का कहना है कि SC ST एक्ट पर आप कुछ बोलना चाह रहे हो, इसको लेकर के आप मीडिया को संबोधित कर रहे हो, इसके लिए आपका क्या विचार है, क्यों करना चाह रहे हो उसके बारे में? देखिए, जो एक कानून है SC ST नाम का, हरिजन एक्ट जिसको बोलते हैं हिंदी में, उस पर जो है सुप्रीम कोर्ट, जो हमारे देश की सबसे बड़ी अदालत है, करीब 7-8 महीने पहले एक आदेश दिया था कि जब भी आप हरिजन एक्ट में शिकायत कोई करे तो पहले उस शिकायत की जांच की जाए, जांच में अगर ये पाया जाए कि उसने गलती की है तो आप उसको जेल भेज दीजिए, अगर ये पाया जाए कि आपने कोई गलती नहीं की है तो आपको परेशान ना किया जाए। हम सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के साथ हैं, उनके आदेश को दोबारा बहाल किया जाए सुप्रीम कोर्ट के, इसीलिए इस यात्रा की शुरुआत की गई है।
हमारा ये कहना है कि जो हरिजन हैं, जो SC ST के लोग हैं, वो भी हमारे भाई हैं। अगर कोई उनका अपमान करता है, आप उसको जेल में डाल दीजिए, लेकिन अगर कोई उनका अपमान नहीं करता है और शिकायत झूठी है, तो हमारा जो समाज है, जो देश का 80% है, चाहे उसमें पूरी स्वर्ण जाति हो, जो पूरी पिछड़ी जाति हो, चाहे पूरा अल्पसंख्यक समाज हो, उनका भी तो मान सम्मान है। अगर वो लोग बेवजह 6-6 महीने जेल में रहेंगे और उनके कई कई लाख रुपए खर्च होंगे, तो उसको भी तो हमें देखना है, उसको कौन वापस करेगा उनके। और जो मेरे युवा साथी हैं, जो भी मेरी इस बात को सुन रहे हों, मेरा उनको एक ही आग्रह है, बल्कि मैं संदेश भी नहीं देना चाहूँगा, निवेदन करना चाहूँगा सिर्फ। निवेदन ये है कि जब भी वो किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़ें या किसी भी सामाजिक संगठन से जुड़ें, तो सिर्फ एक ही मन में बात रख के जुड़ें कि क्या वो संगठन या वो राजनीतिक पार्टी मुझे नौकरी के रूप में कोई रोज़गार देगी, क्या बिजनेस के रूप में मेरे को कोई रोज़गार देगी। अगर उधर से जवाब आता है नो, तो ऐसे किसी भी संगठन या किसी राजनीतिक पार्टी से ना जुड़ें। अगर आता है यस, तो चाहे वो कोई भी हो, उसके साथ वो जुड़ें। बहुत धन्यवाद। इसी के साथ साथ मैं आपसे लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, आपके ऊपर आरोप है फूलन देवी की हत्या का, वो आरोप है या कुछ है, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। देखिए, इसके अंदर टोटल 12 लोग थे, 11 लोगों को सेशन कोर्ट से एक्यूटल किया गया, मतलब कि बरी किया गया, और निचली अदालत से मुझे सज़ा हो गई थी, और अब हाई कोर्ट में मेरी अपील पेंडिंग है। और मुझे पूरा विश्वास है अपने माननीय अदालतों पर, वो भगवान का रूप होते हैं, जब अपनी कुर्सी पर बैठते हैं हमारे जज साहब, तो वो मुझे न्याय देंगे, और मैं जल्दी ही इस केस से बरी होऊंगा और पूरी ताकत के साथ साथ जो है देश के लिए और समाज के लिए अच्छे काम करूंगा। तो ये थे हमारे साथ शेर सिंह जी, जो शेर सिंह नाम से ही शेर सिंह नहीं, काम से भी शेर सिंह जाने जाते हैं, जिन्होंने भारत की शान को बचाया, पृथ्वीराज चौहान की अस्थियों को भारत में लेके आए। किसी राजनेता या किसी अधिकारी के द्वारा जो काम न किया जा सका, वो काम को इनने करके दिखाया है, वो अंजाम दिया है, वास्तविक में ये काबिले तारीफ़ है। तो नेक्स्ट टाइम हम मिलेंगे किसी और के साथ। धन्यवाद।